ये भी पर्स रखे हुए हैं, ये 300 रुपीज़ के हैं। क्वालिटी इनकी इतनी कोई अच्छी नहीं होती, मैं जुमेरात के दिन यहाँ पे आई हूँ तो ये कोई संडे बाजार नहीं है, कोई इतवार बाजार जुम्मा बाजार नहीं है, ये रोज़ लगा हुआ होता है। 2,750, 2,200, 3,500 रुपये के हैं। जो बनने वाली है ना उनके लिए तो ये समझ रहे हैं कि शॉपिंग हेवन है ये, यहाँ पे आके वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दामों पे जो है वो शॉपिंग करके जा सकती हैं। और कपड़े देख रहे हैं आप, बस कपड़े देखते जाएँ, यहाँ पे कपड़ों की जगमग देखें आप, यहाँ पे इतने हसीन कपड़े, ये एक दाम 3,500 रुपये में, ये आप जो भी लेंगे यहाँ पे सारे 3,500 रुपये तो भरे हुए कितने हैं, इतने भरे हुए, इतने हसीन कपड़े, ये कितना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। ये जरदोजी तो था ये मायों वाली दुल्हनों के लिए है, ये भी सारा दुल्हनों के लिए है, ये तो पूरी गली मेरे हाथ में दुल्हनों के लिए है, मेरे ख्याल से क्या है ही दुल्हनों के लिए है। अब यहाँ पर हम निकलते हैं रश्मि से पहले। साढ़े 3,500 रुपये की हैं, इंडियन भी रखी हैं ना उनके पास, अच्छी लगी हैं। ये भी देखें 3,500 में, एक दाम 3,500 रुपये। यार ये देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी है, ज़बरदस्त हसीन साड़ी है यार, किसी की शादी हो हमारे घर में तो मैं भी लेके जाऊँ साड़ियाँ यहाँ से। तीन साड़ियाँ हैं यहाँ पे, फिर से मेरे कैमरे को थोड़े धक्के लगे हुए, और एक धक्का लग गया, मेरे ख्याल से दो पार्ट में जाएगा व्लॉग, या तो फिर हमारे एडिटर साहब का मर्जी है कि वो कैसे डालते हैं। कितनी वैरायटी की चीज़ें रखी हैं, देखिए क्राउन्स कैसे रखे हैं यहाँ पर, क्राउन्स ही रखे हैं, और 650 रुपये में बच्चों के स्वेटर लगे हुए हैं। अब हम एक और गली में चलते हैं, एक और गली के अंदर हैं हम, यहाँ पे वो वाली जो गली थी वो ब्राइडल्स के लिए बहुत अच्छी थी, दुल्हन गली थी वो, और यहाँ पे अपाया रखे हुए हैं, यहाँ पे भी ब्राइडल वेयर रखे हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए 2,750, 2,200, ये सब बहुत अफोर्डेबल मार्केट है ये ना यहाँ पे। अब आया कितने अच्छे देखते हैं, देखा आपने, और ये पर्सेस की कलेक्शन, ब्राइडल कलेक्शन की कलेक्शन इनके पास रखी हुई थी, और ये फिर से एक ज्वेलरी का, तो चूड़ियाँ देखिए कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं यार, दिल आ गया मेरा तो। दुल्हनों के लिए बहुत अच्छी मार्केट है ये वैसे, दुल्हनें यहाँ पर आएंगी ना उनको ये मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो जब दुल्हनें यहाँ पे आएंगी तभी उनको पता चलेगा यहाँ पे फुटवेयर की वैरायटी कितनी अच्छी है। यहाँ पे देखें सारी दुल्हनों की फुटवेयर की वैरायटी, और मैं आपको सच बताता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल होंगे, मैं आपको अपनी से बता देती हूँ, तो ये शॉप मुझे अच्छी से मिलेगी ना तो मैं वहाँ पर जाकर आपको इनकी प्राइस पूछ के बताऊँगी। फिर हम दूसरी साइड से निकल आए हैं अगेन, और ऊपर वाला जो जामा मॉल है वो दुल्हनों के कपड़ों के लिए है, ब्राइडल शरारे वगैरह जो होते हैं उनके लिए है ये ऊपर वाले, इनके पास भी पूरा मायों के बने हुए आर्टिफिशियल फ्लावर से बने होते हैं वो रखे हुए हैं। ये कितने वाले हैं, 450 रुपये के तरह, वो अंकल 400 रुपये के दे रहे थे और ये 450 रुपये के दे रहे हैं, शॉप है ना इनकी सजा दे। नीचे कर लेती हूँ मैं, ये ऊपर देख रहे हैं आप कितनी हसीन मार्केट है, ये देखें ब्राइडल, बस ब्राइडल वेयर देखिए आप, कितने सारे ब्राइडल वेयर और कितने हसीन ब्राइडल वेयर रखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही हसीन और खूबसूरत मार्केट है ये, बरी के सामानों के लिए भी ये मार्केट बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अबाया भी बहुत अच्छे रखे हुए होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक पूरी गली है जो सिर्फ अबाया देखते हैं। Looking on my back and you are still the same. I try to figure out why you can't tell the same. And I know you know all the things I made us.
आगे चलते हैं हम, है ना, फिर अपना कैमरा थोड़ा पीछे कर लेते हैं। ऐसी मार्केट्स में वीडियो शूट करना वैसे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कैमरा संभालना, खुद को संभालना, फिर चीज़ें संभालना और अपना पर्स संभालना सबसे बड़ी बात हो, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अपना पर्स पर संभालने के लिए। ये पूछते हैं ये कितने वाले, देखिए ब्राइडल वेयर है ये पूरे, देखें आप खूबसूरत रखे हैं ये। ये 1500 रुपए की है, ये 1500 रुपए की है, सही 1500 रुपए। हाय शेखो, 1500 रुपए बताएं, बताओ ले ले बेटा, दे दो मैं दे दूंगा, कम करके दे दूंगा, आज मैंने खरीदारी की। ये कितने वाला है अंकल? कौन सा? ये 650 का, 650 के भी कम कर दूंगा, शायद 3 मिल जाएंगे इसके आपको, सही। ये वाला मैं दे देते यार, ये कितने 650 रुपए की, नंबर बता दीजिए मैं दे दूँगा। इन्होंने भी फेल लगाई है, लेकिन 1900 रुपये, 1900 रुपये मजदूरी के काम आ रही है, 1900 रुपये। मेरी आंटी अपने बच्चे को डालती है, विक्स भी मिलती है यहाँ से वैसे, देखिए आप विक्स खड़ी, ये एक दो दुकानें हैं यहाँ पे जो विक्स भी देते हैं। अगेन यहाँ पे, यहाँ से ही मैं आई थी, आपको याद है, यहीं से मैं इसी जगह से मैं आई थी। अब मैं आपको पीछे वाली इसका रोड फेसिंग साइड दिखाती हूँ मैं आपको इसका, ना मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे बुरखों की बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, ऊपर ये गली बुरखों की है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बुरखे रखे हैं, ये स्काई ब्लू, ये वाइट लेडी सब रखा हुआ है भाई इनके पास। और ये जो पूरी ये जो है ना, इसमें ज़्यादातर आपको बायास की वैरायटी मिलेगी, और आगे कितने प्यारे प्यारे बायास देखें। अच्छा, ब्राइडल चादरों की भी इनके पास मिलेगी, अच्छी चादरें रखी हुई हैं, पूरे ब्राइडल सेट्स होते हैं इनके पास, मुकम्मल जो होते हैं वो वाले ब्राइडल सेट होते हैं। ये भी देखें कितने अच्छे अच्छे रखे हैं, अगेन ज्वेलरी आई है यहाँ पे। और अब हम यहाँ जाएंगे तो हम दोबारा अंदर चले जाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये देखें। और ये सारे जो है ना, ये 400 रुपये की सेल में लगे हैं, और ये वाले 200 रुपये की सेल में लगे हैं। ये देखिए कितने हसीन लग रहे हैं ना, और कितने सारे हैं ये। और ये अबायास की भी एक बहुत बड़ी वैरायटी, और ये अबायास बहुत रीज़नेबल होते हैं, यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ के भी अबायास जो है ना वो मिल जाते हैं। ये थोड़ी और सी दुकान लगी हुई है ना यहाँ पे, सारे कपड़ों की दुकान है और फिर अचानक से हाउस होल्ड की दुकान आ जाए, तो ये क्रोएशिया वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जो भी रखी हुई है ये देखिए, माया की दुल्हनों की जो ज्वेलरी होती है वो रखी हुई है, ये लगेजेस वगैरह रखे हुए हैं, ये पोल्का डॉट्स वालों की वैरायटी इनके पास सारी रखी हुई है, और इनके पास भी पोल्का डॉट्स वालों की रखी हुई है। ये भी हाउस होल्ड रखे हुए हैं थोड़े से, और ये बहुत रीज़नेबल होते हैं, ये 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ इस किस्म के होते हैं, ये देखिए 1300 रुपये की जो है वो शर्ट की। ये मग रखे हुए हैं इनके पास, कितने खूबसूरत मगते हैं, सिरामिक के बने हुए रखे हुए हैं अंकल के पास। और ये भी पर्स रखे हुए हैं, ये 300 रुपीज़ के हैं। क्वालिटी इनकी इतनी कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी सही होते हैं ये। अब टू मार्क क्वालिटी तो अब आपको 300 में कोई नहीं देगा, सीधी सी बात है, अगर आप बोलेंगे 300 में मुझे अब टू मार्क क्वालिटी चाहिए हाँ, तो ऑब्वियसली वो तो कोई भी नहीं देगा। लेकिन ये इतना होते हैं कि रेगुलर यूज़ करते करते भी ये आपको साल डेढ़ साल निकाल देते हैं, साल डेढ़ साल से ज़्यादा ही निकाल देते हैं। ये 12 साड़ियाँ रखी हुई हैं इनके पास, बड़ी काम वाली साड़ियाँ हैं, जरदोजी के काम की जो साड़ियाँ होती हैं ना वो रखी हुई हैं इनके पास भी, ये रखे हुए हैं। ये 6500 6700
8,500-9,000 की रेंज में, या मतलब जिस तरीके से जो आप जितनी हेवी ब्राइडल चादर लेंगे ना उस हिसाब से ये आपको देंगे। उनके पास 16 पीसेस की चादरें होती हैं, 12 पीसेस की चादरें होती हैं, 18 पीसेस की भी चादरें होती हैं, कुशन्स और कुलिट कवर्स, कवर्स और बेड कवर्स, तकिए कवर्स, मतलब एक मुकम्मल ब्राइडल पैकेज होता है इनके पास। और ये जामा क्लॉथ का ऊपर ऊपर से जो टूर था वो हमारा ख़त्म हुआ। और आप मुझे बताइए आपको मेरा जामा क्लॉथ का ब्लॉग कैसा लगा, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे मैं भूल गई आपको रास्ता बताना रास्ता समझा देती हूँ मैं आपको। रास्ता जरा इस तरीके से है कुछ कि यहाँ पे बंस रोड पड़ता है बिल्कुल ही नज़दीक। देखिए मैं मेन रोड पर खड़ी हूँ, ये जो मैं खड़ी हुई हूँ ना ये मेन रोड है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना ये सीधा रोड टावर की तरफ जा रहा है, बोल्टन मार्केट और टावर की तरफ ही सीधा रोड जा रहा है बिल्कुल। ये जो आपको शायद मीनार भी नज़र आ रही होगी ये मेमन मस्जिद की मीनार है। यहाँ पे जब आप पीपल्स स्क्वायर से अंदर आके बंस रोड की तरफ आएंगे ना तो उसके बाद आप किसी से भी पूछेगा कि जामा क्लॉथ मार्केट कहाँ है तो वो आपको बता देगा। बिल्कुल फुट स्टेप के फासले पे बंस रोड है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और जामा क्लॉथ कुछ इस तरह से दिखती है, ये देखें मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप यहाँ से गुजरें तो आपको पता चल जाए ये कुछ इस तरीके से दिखती है। तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारे लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी हौसले ज़्यादा सीखिए अल्लाह ने के बाद।